एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट ऑनलाइन मार्केट। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के तीसरे राउंड का अंतिम सवाल। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति ने भाषा विधेयक को मंजूरी देकर किसको आधिकारिक भाषा बनाने की मंजूरी दे दी है, ए अंग्रेजी, बी हिंदी, सी उर्दू या डी बांग्ला। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर के कहलगांव में गंगा मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने किया जल सत्याग्रह। भागलपुर के कहलगांव में गंगा मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने जल सत्याग्रह किया। गंगा नदी से जुड़े कोल, ढाब और सहायक नदियों में घेराबंदी पर रोक लगाने की मांग को लेकर जल श्रमिक संघ और गंगा मुक्ति आंदोलन के सदस्यों ने कहलगांव में गंगा नदी में जल सत्याग्रह किया है। जल सत्याग्रह कर रहे लोगों का कहना था कि 1991 के गजट में निःशुल्क शिकार माही को पूर्ण रूपेण लागू करने, डॉल्फिन अभ्यारण्य में मछली शिकार पर रोक लगाने की मांग सरकार से की है। अमर बने रंगरा आईटी सेल प्रभारी तो रवि पंचायत प्रभारी। राष्ट्रीय जनता दल नौगछिया के जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने भवानीपुर पंचायत वासी अमर झा को आईटी सेल रंगरा प्रखंड प्रभारी एवं रवि कुमार को मुरली पंचायत का आईटी सेल प्रभारी मनोनीत किया है। मालूम हो कि अमर झा ने प्लूरल्स पार्टी से इस्तीफा देकर राजद का दामन थामा है। मौके पर जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा, नगर अध्यक्ष तनवीर बाबा सहित कई अन्य उपस्थित थे। कोसी का जलस्तर बढ़ा, लोगों में दहशत। पिछले 5 दिनों से लगातार कोसी नदी के जलस्तर में हो रही बढ़ोतरी से भीषण कटाव से एक बार फिर सोखचा और रामनगर गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। एक तरफ लोगों को बाढ़ की चिंता है तो दूसरी तरफ लोगों को कटाव से बेघर हो जाने का भी डर है। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना स्थानीय पदाधिकारी को दी है। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NAC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप नया टोला नौगछिया, 9534338689, 7856914231, 6206224713। नवगछिया, ट्रक के धक्के से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की गई जान, दूसरा घायल। नवगछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के विक्रमशिला सेतु पहुंच पथ पर एक अज्ञात ट्रक के धक्के से बाइक सवार मधेपुरा जिले के आलमनगर थाना क्षेत्र के गंगापुर कचहरी टोला निवासी नंद किशोर मंडल का पुत्र विशाल कुमार 21 वर्षीय की जान चली गई, जबकि आलमनगर थाना क्षेत्र के भमरपुर बासा निवासी गंगा प्रसाद मंडल के पुत्र दीपक कुमार मंडल 22 वर्षीय गंभीर रूप से घायल है। मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद परबत्ता पुलिस ने दोनों युवकों को अस्पताल लाया, जहाँ चिकित्सक ने विशाल को मृत घोषित कर दिया। वहीं प्राथमिक चिकित्सा के बाद घायल दीपक को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी के निचले इलाके में फैला बारिश का पानी, लोग परेशान। नवगछिया के राजेंद्र कॉलोनी के निचले इलाके में बारिश का पानी पूरी तरह फैल गया है। पिछले दिनों हुए मूसलाधार वर्षा के कारण राजेंद्र कॉलोनी में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बारिश का पानी राजेंद्र कॉलोनी के निचले क्षेत्र के अलावा कॉलोनी के सड़कों पर भी जमा हो गया है। निचले इलाके में रास्ते पर 2.5 फीट पानी है, जबकि कुछ सड़कों पर भी 1 फीट पानी हो गया है। पौधा संरक्षण विभाग के सहायक निर्देशक ने लिया फार्म हाउस का जायजा। पौधा संरक्षण विभाग भागलपुर के सहायक उप निर्देशक अरविंद कुमार ने कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ गोपालपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कृषि फार्म का निरीक्षण किया। कृषि फार्म में लगे अरहर की फसल में हुए बीमारी की जांच करने के बाद किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि अरहर की फसल में जल जमा होने के कारण फसल को नुकसान पहुंच रहा है। सरकारी निर्देश पर नौगछिया में भी खुले विद्यालय, इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय में पहुंचे मात्र 30 छात्र। सरकारी निर्देश पर नौगछिया में विद्यालय तो खुल गए, लेकिन छात्रों की संख्या काफी कमी नजर आई। वहीं इंटर स्तरीय विद्यालय के प्राचार्य सुरेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि सोमवार को छात्र नहीं के बराबर आए थे, लेकिन मंगलवार को 30 छात्र अभिभावक के पत्र के साथ विद्यालय पहुंचे तो उनकी 5 घंटे पढ़ाई कराई गई। सभी वर्ग नवम के छात्र थे, छात्र भी पढ़ाई से काफी संतुष्ट नजर आए।
नवगछिया रेक पॉइंट से सीमेंट ले जा रही ट्रैक्टर पोखर में गिरी, जान माल सब सुरक्षित। नवगछिया रेक पॉइंट से सीमेंट लोड कर जा रही ट्रैक्टर बगल के पोखर में लुढ़क गई, जिसके फलस्वरूप वहां मौजूद कार्यरत मजदूरों ने तत्काल बचाव कार्य प्रारंभ कर दिया, जिसके फलस्वरूप जान माल का कोई नुकसान नहीं हो पाया। साथ ही ट्रैक्टर को भी सावधानी पूर्वक बाहर निकाल लिया गया। कृपया ध्यान दें कि अब खबर एक मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आच, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773, 93043-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारे सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया SP के निर्देश पर जगह जगह चलाया गया चेकिंग अभियान। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस जिले में पुलिस प्रशासन स्तर से गतिविधि तेज कर दी गई है। चुनाव के मद्देनजर SP के निर्देश पर पुलिस जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में जगह जगह पुलिस पदाधिकारी के द्वारा चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की जांच की गई। नवगछिया टाउन थाना में NH31 पर थाना अध्यक्ष अमर विश्वास के नेतृत्व में वाहनों की जांच की गई। परबत्ता पुलिस के द्वारा तित्री जाह्नवी चौक, इसके अलावा खरी एवं बिहपुर पुलिस द्वारा बिहपुर नवगछिया 14 नंबर सड़क पर चेकिंग अभियान चलाया गया। विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु गोपालपुर पुलिस द्वारा लगातार वाहन चेकिंग व फरार अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु धरपकड़ अभियान जारी। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर पुलिस द्वारा विधानसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने हेतु गोपालपुर पुलिस द्वारा लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है तथा लंबे समय से फरार चल रहे वारंटियों को गिरफ्तार करने हेतु धरपकड़ अभियान चलाया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार लाल वारंटी विवेका यादव व संजीव कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गोपालपुर वारंटी गिरफ्तार। गोपालपुर पुलिस ने छापेमारी कर थाना क्षेत्र के तीनटेंगा करारी निवासी विवेकानंद यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गोपालपुर पुलिस ने बताया कि विवेकानंद यादव के विरुद्ध न्यायालय से वारंट जारी था। नवगछिया वारंटी गिरफ्तार। नवगछिया पुलिस ने छापेमारी कर वारंटी थाना क्षेत्र के मुमताज मोहल्ला निवासी मोहम्मद दाऊद को गिरफ्तार कर लिया है। नवगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने बताया कि मोहम्मद दाऊद के विरुद्ध न्यायालय से वारंट निर्गत था। 2 लीटर देसी शराब के साथ युवक गिरफ्तार। कदवा ओपी पुलिस ने थाना क्षेत्र के फोर लेन मिलन चौक के पास से 2 लीटर देसी शराब के साथ थाना क्षेत्र के बेलसाई निवासी ऋषिदेव को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में कदवा पुलिस ने मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामले की प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। 20 लीटर देसी शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार, मोटरसाइकिल जब्त। परबत्ता पुलिस ने चेकिंग के दौरान 20 लीटर देसी शराब के साथ 2 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए युवक में रंगरा थाना क्षेत्र के तिनटेंगा दियारा ज्ञानी दास टोला निवासी रूपेश मंडल और बरहरा कोठी भागलपुर निवासी पांचू मंडल शामिल हैं। पुलिस ने इस दौरान मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया है। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि 2 युवक मोटरसाइकिल से शराब लेकर आ रहे थे। पुलिस को देखने के बाद दोनों युवक भागने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस बल द्वारा खदेड़ कर पकड़ लिया गया। उसके पास से गैलन में 20 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है। शराब बरामदगी के बाद दोनों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया एवं मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया गया है। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, शीशम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज, त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा, कुर्सी, टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888। उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। 10वीं-12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA, BCom, BSc, पॉलिटेक्निक, BTech, BBA, BCA में ले निःशुल्क नामांकन। MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नवगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8225-6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। 1, 2, 3, come on!
में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।